नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। फ्रंटलाइन वर्कर्स की वैक्सीन का खर्चा उठाएगी केंद्र सरकार। कोरोना वैक्सीन की समीक्षा बैठक में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां दोस्तों, पिछले एक साल से कोरोना महामारी से जूझ रहे भारत के लोगों के लिए आखिरकार वह घड़ी आ गई है जिसका बेसब्री से इंतजार है। देश में 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण की तैयारियों को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारियों का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें पब्लिक अवेयरनेस करनी है। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सीन का खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। उन्होंने साफ कहा है कि जनप्रतिनिधि कोरोना वॉरियर्स या फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी ने वॉशिंग मशीन से की बीजेपी की तुलना। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल का सियासी समर लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। नए नए चुनावी नारों, पाला बदल और सियासी वादों के बीच सुबह की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तंज कसा है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की सत्ता में काबिज पार्टी की तुलना वॉशिंग मशीन से करते हुए कहा कि टीएमसी में कालो, बीजेपी में सब भालो, यानी बीजेपी ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसके पास धुलाई की जबरदस्त ताकत है। जो भी उसके भीतर जाता है एकदम बेदाग और चमक जाता है। रानाघाट और नादिया में बीजेपी पर बरसते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी सभी को रोजगार देने और सब कुछ मुफ्त में देने की बात करती है। उसके पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन चुनाव के बाद वे सब भाग जाएंगे। बंगाल के कई जिलों में प्रभावी मातुआ समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा बिल लाए हैं जो अपने नागरिकों को अचानक बाहरी और विदेशी बना देगा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा, केंद्र सरकार रोक नहीं लगाएगी तो हम लगा देंगे। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों और किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। आपको बता दें कि किसानों का प्रदर्शन 47 दिनों से जारी है और किसान लगातार कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच सरकार और किसान के बीच 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर कोई समाधान नहीं निकल पाया है। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप बताइए इस कानून पर रोक लगाएंगे या नहीं, नहीं तो हम लगा देंगे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बोबड़े ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि जिस तरह से सरकार इस मामले को हैंडल कर रही है, हम उससे खुश नहीं हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जेल में कटेगी आप विधायक सोमनाथ भारती की रातें। कोर्ट ने 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा। जी हां दोस्तों, विवादित बयान मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सोमवार को कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आप एमएलए को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सोमनाथ भारती को यूपी के अस्पतालों पर दिए गए विवादित बयान के लिए एमएटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ एमएटी के जगदीशपुर थाने में धारा 505 और 153A के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस का आरोप है कि सोमनाथ भारती ने शनिवार को अमेठी में कथित तौर पर बयान दिया था कि हम उत्तर प्रदेश में आए हैं, हम यहाँ के स्कूलों को, अस्पतालों को देख रहे हैं, ये सब ऐसी बदतर हालत में है जैसे कि अस्पतालों में कुत्तों के बच्चे पैदा हो रहे हों। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। देश के 10 राज्यों में बीमारी ने पांव पसारे, केंद्र ने जारी की एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले कंफर्म हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर सभी राज्यों से सतर्कता बरतने और लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी में कहा है कि जिन जिन इलाकों में वाटर बॉडीज और पोल्ट्री फार्म है वहां पर खास निगरानी बनाए रखें और यदि कहीं पक्षियों में बर्ड फ्लू के मामले आए तो तुरंत उनके सैंपल जांच के लिए भेजें। साथ ही घटनास्थल वाली जगहों पर दवा का छिड़काव कराकर उन्हें बाकी पक्षियों और लोगों से सुरक्षित बनाएं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पूरी तरह पेपरलेस होगा 2021 का बजट। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार होगा ऐसा।
जी हाँ दोस्तों, बजट का बिगुल बज चुका है। 1 फरवरी 2021 को देश का आम बजट पेश होने जा रहा है, लेकिन इस बार का बजट आम नहीं खास होगा। महामारी के बाद देश को आर्थिक रफ्तार देने की जरूरत है। ऐसे में सबकी निगाहें वित्त मंत्री पर टिकी होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भी पहले ही साफ कर चुकी है कि इस बार बजट ऐसा होगा जैसे 100 साल में कभी नहीं रहा होगा। लेकिन बजट 2021 की एक और खासियत होगी, पहली बार बजट बिना किसी दस्तावेज के होगा, मतलब पूरी तरह से पेपरलेस। आजाद भारत के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब बजट पूरी तरह पेपरलेस होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन ने पूर्वी लद्दाख में LAC के पास गहराई वाले क्षेत्र से लगभग 10,000 सैनिकों को पीछे हटाया। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच पिछले 8 महीनों से जारी गतिरोध के बीच चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास गहराई वाले क्षेत्र से लगभग 10,000 सैनिकों को पीछे कर लिया है। हालांकि सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनाती पहले के समान ही है और दोनों पक्षों के सैनिक उस सेक्टर के कई स्थानों पर एक दूसरे के आमने सामने है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि चीनी सेना पूर्वी लद्दाख सेक्टर और उसके पास के इलाकों के विपरीत अपने पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों से लगभग 10,000 सैनिकों को वापस ले गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। लेकिन दोस्तों, मौसम अपडेट्स जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। उत्तर भारत में बर्फीली हवाओं से कपकपाहट भरी ठंड, जाने मकर संक्रांति तक मौसम का हाल। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत में बादल छटने और बर्फीली हवा चलने से कपकपाहट भरी ठंड जारी है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि बारिश के दौर के बाद उत्तर भारत में शीतलहर लौटेगी। उधर पहाड़ों पर बर्फबारी भले ही अभी रुकी हो, लेकिन बर्फ की मोटी परत हर तरफ दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में आम जिंदगी बर्फ के चलते थमसी गई है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से थोड़ी राहत की उम्मीद है। 14 जनवरी तक मौसम के खुले रहने के आसार हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में शीतलहर की वापसी हो गई है, जिससे ठंड बढ़ गई है और 14 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान भी शीतलहर की चपेट में है। उत्तर प्रदेश में 13 जनवरी तक कोहरा पड़ सकता है। वहीं बारिश झेल रहे मध्य प्रदेश में भी अब बादल छट रहे हैं और शीतलहर लौट रही है। मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों में पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क सकता है। दक्षिण में कर्नाटक में बारिश से लोग परेशान है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लगातार 4th दिन पेट्रोल डीजल के दाम शांत। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज लगातार 4th दिन शांति छाई रही। 6 और 7 जनवरी को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। इन 2 दिनों में ही पेट्रोल के भाव 49 पैसे प्रति लीटर बढ़े थे, जबकि डीजल 51 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 84.20 रुपए और 1 लीटर डीजल का दाम 74.38 रुपए पर पहुंच गया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गोल्ड हुआ महंगा, चांदी में 1100 रुपए से ज्यादा की तेजी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय बाजारों में सोने के भाव में तेजी दर्ज की गई है। हालांकि अभी ये 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे ही बना हुआ है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव में 389 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं चांदी के दाम में आज 1137 रुपए का उछाल देखने को मिला है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 48,477 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 63,589 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सीमेंट और स्टील के बढ़ते दामों पर भड़के नितिन गडकरी, कहा जल्द लगाम लगाने की है जरूरत। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्टील और सीमेंट सेक्टर के लिए रेगुलेटर बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि बड़ी कंपनियां दाम बढ़ाने के लिए आपसी साठगांठ के तहत काम कर रही है। यदि स्टील और सीमेंट के दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो भारत को $5,000 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के सपने को पूरा करना मुश्किल होगा। नितिन गडकरी का इशारा अगले 5 साल के दौरान अर्थव्यवस्था में 111 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की तरफ था। यहां यह गौर करने वाली बात है कि स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री पर इस तरह की साठगांठ के आरोप पहले भी लगाए गए हैं। खास तौर से रियल इस्टेट उद्योग ने ऐसे आरोप लगाए हैं। दरअसल रियल इस्टेट भी
जरूरत का सामान महंगा होने की शिकायत करते हुए लागत बढ़ने की बात करता रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, कोरोना के इलाज में हुए खर्चे पर इनकम टैक्स में दी जा सकती है छूट। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार बजट 2021 में टैक्स पेयर्स के लिए कोविड-19 के इलाज में हुए खर्च पर इनकम टैक्स से राहत का ऐलान कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बजट में ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए छूट का ऐलान हो सकता है जिसके पास किसी तरह का हेल्थ या मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। कोरोना के इलाज के खर्च पर छूट के लिए बजट में आयकर अधिनियम की धारा 80DDB के तहत राहत का ऐलान किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, बंगाल में कोलिस के मामले में 12 जगह ईडी की छापेमारी, मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार सुबह ताबड़तोड़ छापेमारी की है। ईडी की इस कार्यवाही को लेकर अभी कोई आधिकारिक प्रक्रिया नहीं आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में एक साथ करीब 12 जगहों पर छापा मारा गया। इसके बाद मामले से जुड़े लोगों और उनके परिचितों में हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि 2 महीने पहले कोयला घोटाले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत 30 ठिकानों पर छापेमारी की थी। उस दौरान ये छापे बड़े रसूखदार लोगों के ठिकाने पर पड़े थे। उस दौरान जिस परिसरों में छापे मारे गए थे उनमें आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज, बर्धमान, बिशनपुर और दक्षिण 24 परगना स्थित अपने घर और दफ्तर भी शामिल थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, मुश्किल में पड़े डोनाल्ड ट्रंप, नैन्सी पेलोसी ने किया ऐलान, कैपिटल हिल हिंसा के लिए लाया जाएगा महाअभियोग प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, कैपिटल हिल हिंसा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई है। उन्हें उनके कार्यकाल से पहले ही हटाने की मांग तेज हो गई है। इसी बीच अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर और ट्रंप की धुर विरोधी नैन्सी पेलोसी ने स्पष्ट कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को महाअभियोग का सामना करना होगा। उन्होंने कहा कि सदन ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग की कार्यवाही को आगे बढ़ाएगा। पेलोसी ने रविवार रात डेमोक्रेट सांसदों को भेजे गए पत्र में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, पाकिस्तान में अशांति फैलाने के लिए ISIS को समर्थन दे रहा है भारत, बोले इमरान खान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री इमरान खान ने फिर से पाकिस्तान में अशांति पैदा करने के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। रविवार को प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उनकी सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि भारत पाकिस्तान में अशांति पैदा करने के लिए आतंकवादी इस्लामिक स्टेट समूह का समर्थन कर रहा है। डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स और ब्रॉडकास्टर्स के एक समूह के साथ बातचीत में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा है कि IS के चरमपंथ समूह ने पिछले रविवार को बलूचिस्तान के माज इलाके में सिया हजारा कोयला खनिकों की हत्या भारत के इशारे पर की गई थी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किच क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।